अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने purple.io पे अपना ट्रेड पैक कैसे परचेज़ करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना purple.io को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो डैशबोर्ड हमारा XLT और USDT का रेट आ रहा है इसको हम देख के बाय करेंगे। अगर ये USDT का रेट कम है तो आपको ज़्यादा निगजाल्ट देने पड़ेंगे एक ट्रेड पैक पे करने के लिए, तकरीबन 40 से 50 निगजाल्ट लग जाएंगे। अगर रेट 3.84 है या इससे ज़्यादा है तो जितना रेट ज़्यादा होगा उतने आपके निगजाल्ट कम लगेंगे, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। सबसे पहले 3.84 USDT का हमने बाय करने हैं जी निगजाल्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी अपने परचेज़ वाली ऑप्शन पे। परचेज़ वाली ऑप्शन पे जाके हमने ट्रेड पैक पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ट्रेड पैक सेलेक्ट करना है, $50 का है। और कितने क्वांटिटी में बाय करना है आपने ट्रेड पैक, हमने वन ट्रेड पैक बाय करना है। परचेज ट्रेड पैक पे क्लिक करेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये हमारी इनवॉइस क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब जाएंगे हम अपने ट्रांजैक्शन वाली ऑप्शन में, इनवॉइसेस में, और ये हमारी इनवॉइस क्रिएट हो गई है जी। हमने एक ट्रेड बैग बाय करना है और एक ट्रेड बैग हमें मिल रहा है 13.70 का, सही है, 70 का। तो ये टोटल अमाउंट में आ गया। उसके बाद हमने जी जो यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट है एज इट इज़, इसको ऐसे ही लिखना है हमने अपने दी वैलेट्स के अकाउंट में, टोटल अमाउंट में। एक लफ्ज़ भी इसका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लें या किसी चीज़ पे लिख के वैसे ही टाइप कर लें। और यहाँ से हमने अपनी ये वाली जो की है पे एड्रेस में, इसको कॉपी करना है और पूरी की कॉपी होनी चाहिए आपकी। और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे दीवर्स के अकाउंट में। दीवर्स का अकाउंट मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये आ गए हम अपने दीवर्स के अकाउंट में। मेरे पास 31 निगजाल्ट पड़े हुए हैं अभी। तो अगर आप मोबाइल से परचेज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये 3 डॉट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे ले जाना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखें विड्रा वाली ऑप्शन आ गई, विड्रा पे क्लिक करेंगे। विड्रा पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका है जी XLT एड्रेस है, इसमें आपने वो एड्रेस जो वहाँ से इनवॉइस से कॉपी किया है वो इसमें पेस्ट कर देना है और अमाउंट जितनी आपकी वहाँ पे थी उतनी यहाँ पे आपने लिख देनी है या कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। हमारी अमाउंट थी 13.70168 168 168 5055 505। ये अमाउंट आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसको सही तरीके से चेक करने के बाद आपने विड्रा पे क्लिक कर देना है, सही है, और ये प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 1 से 2 मिनट, और उसके बाद ये आपका बाय हो जाएगा। योर रिक्वेस्ट प्रोसीड क्यों नहीं हो रही, दोबारा से इसको प्रोसीड करते हैं। ये अभी हमारा यहाँ से प्रोसीड नहीं हो रहा। ये इसका तरीका कार है छोटा सा ट्रेड पैक बाय करने का, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपका ये बाय हो जाएगा इस तरीके से। एक दफ़ा फिर कोशिश करके देख लेते हैं।
ये देखें, ये हमारा जी बाय हो गया, विड्रॉ रिक्वेस्ट जो है ये हमारी चली गई है। तो ये तकरीबन आपका 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ट्रेड बैक बाय हो जाएगा, और मंडे से मंडे इसकी यानी कि वो अर्निंग शुरू होगी। 7 दिन का इसका टाइम है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।